अंडे उबल चुके हैं, देख डाल सकते हैं देना आप, है। यहाँ धुआं आ रहा है। और मैं अंडे अंडा मैगी रेडी हो गया है, और तो मैगी में अंडा डाल चुका है। अभी थाली को उठा दे रहे हैं, तो इसलिए हमने पत्थर से दबा दिया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज नए दिन की शुरुआत हो गई है। तो दरअसल आज संडे है और आज मैं गया हूँ बकरी के और भैंस गाय के ग्वाला। तो छोटे छोटे बच्चों को भी, पठिया को भी जंगल ले गया हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मौसम में थोड़ा फ़र्क पड़ा है, सुहाना मौसम हुआ है। और आज हम लोगों ने एक दोबारा जंगल में कुकिंग करने का प्रोग्राम बनाया है, तो जंगल में ही आज खाना बनेगा। तो देखते रहें आज का ब्लॉग कितना मज़ेदार होता है। बच्चों को भी लाए हैं, ले। बकरी की आदत ही होती है एक दूसरे के बच्चों को मारने की। और ये देखिए, इसको ऊपर ही नहीं आने दे रहे हैं। आ जा, चल चल चल। तो अब ये चिंकी पांडे ऐसे जाएगा आगे। चल, आ आ आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। तो ये हैं सारी बकरियां जा रही हैं। इनमें चार छोटे बच्चे भी आए हैं। एक ये है, एक आगे वो दिख रहा है, एक वाइट कलर का वो दिख रहा है, एक ब्लैक रंग का वहाँ चले गया है। ये हैं बकरियां, पीछे आ रहे हैं गाय भैंस। जा, जा, ए, ले, ले, चलो, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। तो ये है इसका बच्चा, आगे वो जा रहे हैं छोटे छोटे। ये हैं भैंस, और यहाँ से पीछे आ रहे हैं हमारी भैंस। आ, आ, हे, हे। मैं अभी अंडे रख चुके हैं, और उधर शुभम प्याज काट रहा है। तो कढ़ाई रख दी है चूल्हे में, तब तक अंडे उबलेंगे, और फिलहाल हम बनाएंगे तब तक चाय आगे इस चूल्हे पे। इधर वाले चूल्हे में हम बनाएंगे चाय। तो यहाँ प्याज वगैरह काट चुका है, और भाई काट रहा है प्याज वगैरह। और ये रखे हुए हैं इस साइड में मैगी, ये है चाय के लिए दूध, और इधर मैगी मसाला। तो ये क्या हो रहा है, अंडे थाली को उठा दे रहा है, इसलिए हमने पत्थर से दबा दिया है। अंडे और थाली को उठा दे रहा है। यहाँ चूल्हे में बन रही है चाय, और इधर प्याज वगैरह कट गया है। और यहाँ हो गया है, मैंने बोला था अभी थाली पलट गई है, अंडे फूट गए, छींटे आने लग गए हैं ऊपर से। और अंडे रख दिए हैं उबालने के लिए, बकरियाँ हैं उधर। दरअसल हुआ कि मैं आज बकरियों के छोटे छोटे बच्चों को भी जंगल में ले आया हूँ, तो बारिश के डर से आज उनको अभी अपने साथ छाते में लेना पड़ेगा अगर बारिश ज़्यादा आ जाएगी। अगर नहीं आएगी तो वो ऐसे ही अपने आप रहते हैं चराहों पे। भगू बना रहा है यहाँ पे मैगी मसाला, तैयार कर रहा है मैगी तोड़ती है। दरअसल हो क्या गया है कि अब बारिश आने लगी है, तो अभी अब हमको डर सता रहा है कि हमारी एक बार भी मैगी बन पाएगी नहीं बन पाएगी, क्योंकि बारिश से आने छींटे पड़ने शुरू हो गए हैं। और आज कल दो तीन दिन से पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही थी, अभी तो दरअसल खाली छींटे पड़ रहे हैं, पर आगे कह नहीं सकते क्या होता है। अंडे उबल चुके हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ धुआं आ रहा है, और अंडे को अब छीनने की तैयारी आ रही है, और बारिश आ गई है। यहाँ सामान की सब तैयारी लेके भाग रहे हैं, बारिश यहाँ आ चुकी है, क्या होता है अब देखते हैं। पहले हम अंडा फ्राई कर रहे हैं, हल्का सा, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का हल्का करेंगे।
मम्मी निकाली कौन बे? अरे सूख जाएगा अंडा ये। ना ना ठीक है। ला डाल। कब हो गए? ना ना थोड़ा अंडे। मैगी में अंडा डाल चुका है अभी, अब इसके बाद इसमें मैगी डलेगी। तो दोस्तों अंडा और मैगी बन रहा है, और तब तक हम थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। दरअसल बकरियां हैं नीचे, वो नीचे साइड, और गाय भैंस हैं उस साइड में, और ये दो भाई बैठे हैं वहाँ। चाय हमने पी ली है, अब हम उसके बाद खाएंगे ये मैगी जो अंडा मैगी बन रही है इसको एक बार, और एक बार हम फिर बनाएंगे शाम के 3 या 3:30 या 4 बजे करीबन, तो उसको भी खाएंगे। तो आगे दिखाते हैं आपको। अंडा और मैगी बन के रेडी हो गया है, और थालियाँ जच चुकी हैं। रखो रख। फाइनली मैगी थालियों में सज चुकी है नीचे, और भाई लोग बैठ गए अपने अपने स्थान पर। तो अभी दिखाते हैं आपको और शुरू करते हैं उसके बाद मैगी खाना। मैं अंडा मैगी रेडी हो गया है और इस तरीके से रख दिया है, और हम लोग करते हैं अंडा मैगी का स्वाद लेते हैं, मज़ा लेते हैं। तब तक आप इंजॉय कीजिए टाइम लैप्स। तो दोस्तों दूसरी बार की चाय बनने के लिए चूल्हा रेडी हो गया है, और पतीला भी रेडी हो गया है। भगवत भाई हमारे चाय बनाएंगे दूसरे टाइम का। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे, पहाड़ी कुकिंग अच्छी लगती होगी, और हमारी नई नई ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपना प्यार और सपोर्ट हम लोगों को ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।